हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साक्षी किचन। आज हम बनाएंगे तिल का हलवा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तिल को भूनते टाइम हमें उसे बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन भूना है और उसे हमेशा चलाते रहना है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारी ऐसी सिंपल एंड ईजी रेसिपी पाने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तिल का हलवा बनाना। तिल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिए हाफ कप तिल, और हम इसे रात भर पानी में भिगा दिए थे और यह अच्छे से फूल चुका है। और अब हम इसे छान कर पीस लेंगे। और यहाँ पर हमने तिल को पीस कर इसका फाइन पेस्ट बना लिया है, और इसे पीसने में लगभग 1/4 कप पानी का यूज हुआ है। तो चलिए अब हम हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। हलवा बनाने के लिए यहाँ हमने पैन गरम कर लिया है, और इसमें डालेंगे 1/4 कप घी। और घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी का कलर चेंज हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे पिसे हुए तिल। और हम इसे इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर तिल भी अच्छे से भुन उठा है, और अब हम इसमें डालेंगे पानी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें पानी थोड़ा सा और डालेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ कप गुड़, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हलवा बनकर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देते हैं और हलवे को सर्व कर लेते हैं। तिल का हलवा बनकर तैयार है, और अब हम इसमें थोड़े से काजू बादाम की गार्निशिंग कर लेंगे। आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही सिंपल एंड इजी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।